नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा पाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, आप सभी का वेलकम करती हूँ। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का ही एक विद्याशाखा है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हेल्थ एजुकेशन, फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स एवं पैरामेडिकल कोर्सेज का अध्ययन करते हैं। मेरा विषय फूड न्यूट्रिशन एवं डाइटेटिक्स है, तो आज की यह क्लास हम सत्र 22-23 के विद्यार्थियों के लिए फूड न्यूट्रिशन एवं डाइटेटिक्स में किस किस प्रकार के कोर्सेज का अध्यापन किया जा रहा है, किस किस प्रकार के कोर्सेज का संचालन किया जा रहा है और उनमें कितने क्रेडिट्स हैं, कितने मार्क्स के हैं वो, और किस प्रकार से परीक्षाओं को संपन्न किया जा रहा है, उसको हम पूरी तरीके से आज यहाँ पर जानेंगे। फूड न्यूट्रिशन एवं डाइटेटिक्स विषय में हम कई प्रकार के कोर्सेज का अध्ययन करते हैं। इस कोर्स की कोऑर्डिनेटर मैं स्वयं हूँ। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को लेकर चलता है, जैसे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज कमिटेड टू प्रिपेयर कॉम्पिटेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स टू कैटर डिफरेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू इम्प्रूव द हेल्थ वेलबींग एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सोसाइटी में एक बेहतर न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डाइटेटिक्स से रिलेटेड एक प्रोफेशनल्स को तैयार करें, जिससे वो समाज में जाकर, देश में जाकर, वर्ल्ड में जाकर एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में या फिर एक बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में उभर कर आए। दूसरा है कि आवर प्रोग्राम्स हैव बीन डिजाइन टू इन्हांस डेवलपमेंट इन द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ हेल्थ केयर डिसिप्लिन्स थ्रू एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ डाइवर्सिफाइड हेल्थ एंड इट्स अलाइड डिसिप्लिन्स। हमारे प्रोग्राम्स को ऐसे बनाया गया है, ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जिससे वो हर प्रकार के एलाइड डिसिप्लिन्स जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उन क्षेत्रों में जाकर विभिन्न प्रकार से अपने कार्यों को प्रदर्शित कर सकें और विभिन्न प्रकार से अपने कार्यों को बेहतर ढंग से, पोषण संबंधी गतिविधियों को ढंग से बताने का प्रयास कर सकें। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंतर्गत पीएचडी कोर्स हमारे यहाँ न्यूट्रिशन फूड एवं डाइटेटिक्स में वर्तमान समय में 22-23 सत्र से संचालित किया जा रहा है। पीजी डिग्री कोर्सेज एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में संचालित किया जा रहा है। यूजी पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज पीजी डीडीटीएन यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में संचालित किया जा रहा है। डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन में अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा संचालित किया जा रहा है। डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में संचालित किया जा रहा है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में एक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार से चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार से यूजी डिग्री कोर्सेज में बीएससी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन को भी संचालित किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हम ये देखेंगे कि ये जो कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं, इनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, ये कितने क्रेडिट के हैं, ये कितने पूर्णांक के हैं और इनको किस किस प्रकार से सेमेस्टर में है या वार्षिक प्रणाली पर आधारित है, ये प्रश्न पत्र हम किस प्रकार से इन कोर्सेज को उत्तीर्ण करके आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम शुरुआत करेंगे बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन से, जो कि सेशन 2022 और 23 में संचालित किया जा रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, देयर फंक्शंस, अवेलेबिलिटी, डिफिशियंसी, डिजीजेस एंड आवर बॉडी फिजियोलॉजी।
सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जब हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करते हैं तो हमको ह्यूमन न्यूट्रिशन का सबसे पहला चरण जो आता है वो है खाद्य पदार्थ। जो भोजन हम रोज ले रहे हैं, हमको यदि उसकी शिक्षा ग्रहण करनी है कि हम कितना भोजन लें, किस प्रकार से भोजन लें, कितनी मात्रा में भोजन लें और किस उम्र के व्यक्ति को कितने भोजन की आवश्यकता है, वो उद्देश्य को लेकर हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इक्विप स्टूडेंट्स फॉर पॉसिबल एंटरप्रेन्योर ओरिजिनल वेंचर्स इन वेरियस एरियाज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन के माध्यम से ही हम कितने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेवलप करते हैं, उनके अंदर ये स्किल डेवलप करते हैं कि वो अपनी स्वयं के रोजगार को स्टार्ट करें। और ये तभी संभव है जब वो फूड एवं न्यूट्रिशन विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करें डिग्री के साथ में। इसी प्रकार से हम तीसरे ऑब्जेक्टिव पर बढ़ते हैं, टू बी एबल टू मेक एकेडमिक प्रोग्राम सोशली एंड टेक्नोलॉजिकली रेलिवेंट। हम इस प्रकार के हमने कोर्सेज को डिज़ाइन किया है जो कि एकेडमिकली भी यूजफुल है और टेक्नोलॉजिकली भी यूजफुल है। इसी प्रकार से टू प्रोवाइड ट्रेन्ड डाइटिशियन फॉर हॉस्पिटल डाइटरी डिपार्टमेंट्स नर्सिंग होम्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज्ड इन द हेल्थ केयर सर्विसेज। फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स के माध्यम से हम इस प्रकार के डाइटिशियंस को तैयार करते हैं जो कि हॉस्पिटल में, फूड सर्विस यूनिट्स में या किसी भी प्रकार के पेशेंट के केयर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी हॉस्पिटल में होते हैं तो वो सीधे तौर पर मरीजों के संपर्क में होते हैं, उनको किस किस प्रकार की बीमारियां हैं, हर बीमारी में अलग अलग आहार महत्वपूर्ण रोल करता है। बीमारियां जैसे कि महामारी का रूप ले ले रही हैं, जैसे जल्दी ही COVID-19 के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं और उसमें भी आप सभी ने देखा होगा कि फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य पदार्थ और उनकी गुणवत्ता ने किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोगों को सुझाव दिए गए हैं कि किस प्रकार का भोजन हमको अपनाना चाहिए अपने स्वस्थ जीवन शैली के लिए। आखिरी ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हु कुड प्रोवाइड डाइटरी कंसल्टेंसी एंड काउंसलिंग इन वेरियस प्लेसेस। ये भी इसी तरह से मिलता जुलता है कि विभिन्न कंपनीज में, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में डाइट काउंसलिंग की आवश्यकता, क्योंकि जो वर्तमान समय में जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उसमें हम चाहे अनचाहे विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में जब हम टेक्निकल विकास की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें इतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो चुके हैं कि लोग जो प्राइवेट नौकरियों में हैं या फिर जो 24 घंटे में 12 घंटे निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर शारीरिक दबाव के साथ साथ मानसिक दबाव भी है। ऐसी स्थिति में अगर आप उनका भोजन उच्च गुणवत्ता पूर्वक नहीं होगा तो फिर वो शारीरिक एवं मानसिक तनाव से ग्रसित होकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य फूड एवं न्यूट्रिशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, लोगों को ऐसी डिग्री देना जिनका वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन में सेमेस्टर के हिसाब से हम लोगों ने 6 सेमेस्टर में विभाजित कर रखा है। ये 3 वर्षीय डिग्री कोर्स है जिसमें प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ और पंचम सेमेस्टर में कुल 96 क्रेडिट का कोर्स पढ़ेंगे। इन 96 क्रेडिट को विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्रों में विभाजित किया है जिसमें हम थ्योरी, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स के माध्यम से ये पूरा पेपर पूर्ण होता है। प्रथम सेमेस्टर में हम देखेंगे जो कंपलसरी कोर पेपर्स हैं उसमें UGHN
101 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन है और वो 3 क्रेडिट का है जिसको 100 नंबर दिए गए हैं जिसमें से 30 नंबर असाइनमेंट्स के और 70 नंबर थ्योरी पेपर के हैं। विद्यार्थियों बहुत बार समस्याएं आती हैं जब हमारे विद्यार्थी इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जो किसी कोर्स को पास करने की जो अनिवार्यता है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पत्रों के मार्क्स को विभाजित किया गया है, जिसमें से हम असाइनमेंट्स के कितने मार्क्स होंगे और थ्योरी पेपर के कितने मार्क्स होंगे और प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होंगे। हमारे विद्यार्थी क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो सीधे शिक्षक से के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कभी असाइनमेंट जमा करते हैं कभी असाइनमेंट जमा करना भूल जाते हैं, कभी वो समझ नहीं पाते हैं कि उनका जो थ्योरी पेपर होने वाला है वो 100 नंबर का होगा कि 70 नंबर का होगा। इसलिए हम लोगों ने 22-23 के सत्र में जो स्टार्ट किया है उसमें से ये बताने का सबसे पहले प्रयास किया गया है कि ये जो कोर्स है इसमें कितना मार्क्स किन चीजों के लिए विभाजित किया गया है। फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में मुख्यतः हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में प्रयोग क्या है, पोषक तत्व कितने प्रकार क्या क्या हैं, या न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से हमारे शरीर में जाकर एब्जॉर्ब होता है और वो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी होता है। मूलतः किन किन पोषक तत्वों से मिलकर भोज्य पदार्थ बना हुआ होता है, वो हमारे शरीर में जाकर किन किन अंगों को कौन कौन से पोषक तत्व प्रभावित करते हैं, ये जानने का प्रश्न पत्र ही फूड फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन है। दूसरा प्रश्न पत्र UGHN 102 है जिसमें एलिमेंट्री एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है जो कि 3 क्रेडिट का है और इसमें भी 100 मार्क्स का प्रश्न पत्र है जिसमें से 30 नंबर असाइनमेंट्स के लिए और 70 नंबर थ्योरी पेपर के लिए विभाजित किया गया है। एलिमेंट्री एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर की संरचना क्या है, भीतरी संरचना हमारे शरीर की जानने के लिए एनाटॉमी को हमें पढ़ना होगा और एनाटॉमी पढ़ने के बाद उसकी फिजियोलॉजी यानी वो किस प्रकार से कार्य करता है, शरीर क्रिया विज्ञान किस प्रकार से हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग अपने कार्यों को करते हैं और उन कार्यों को करने के लिए किस प्रकार से पोषक तत्वों का उपयोग करके वो कार्य करते हैं, वो जानने के लिए हमने इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर अनिवार्य रूप से रखा हुआ है। इसी प्रकार से UGHN 103 फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री जो कि 3 क्रेडिट का है और यह भी 100 नंबर का है जिसमें से 30 नंबर असाइनमेंट्स के लिए और 70 नंबर थ्योरी पेपर के लिए निर्धारित किए गए हैं। हमारे शरीर में किस प्रकार से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर से सिक्रेट हो रहे हैं, किस प्रकार के हार्मोन्स को कितनी मात्रा में सिक्रेट होना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा बाह्य शरीर जो कि समाज में परिलक्षित होता है वो एक सही अनुपात में रहे, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारा ये प्रश्न पत्र है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री। इसी प्रकार से UGHN 101, UGHN 102, UGHN 103 पर बेस्ड है हमारा UGHN 104 जो कि प्रैक्टिकल पेपर है। ये प्रैक्टिकल पेपर 100 नंबरों का होगा। इस प्रैक्टिकल पेपर में तीनों ऊपर के बताए हुए प्रश्न पत्रों को विभाजित किया गया है और इन तीनों प्रश्न पत्रों के जो प्रैक्टिकल पार्ट हैं उनको हम इस चौथे प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे।
अब आते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज। AECEG यानी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स इन इंग्लिश। आप फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हैं, इसमें आपको अपनी एबिलिटी को और इन्हांस करने के लिए कुछ कोर्सेज का निर्धारण किया गया है, जिसमें से आपकी एबिलिटी को और अधिक इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरह से कोर्स में एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स इन इंग्लिश और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स इन हिंदी, इन दोनों में से आप एक कोर्स को चूज कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी के लिए करिए और चाहे आप इंग्लिश के कोर्स के लिए करिए चुनाव अपना। और यह टोटल 16 क्रेडिट का होगा और इसका पूर्णांक 500 होगा। इसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में जब हम आएंगे तो कुछ कंपलसरी कोर पेपर्स हैं, UGHN 105 एलिमेंट्री फूड माइक्रोबायोलॉजी। हमारे शरीर में फूड माइक्रोबायोलॉजी का कितना योगदान है ये जानने के लिए इस पेपर को यहाँ पर रखा गया है। माइक्रोब्स हमारे शरीर में किस प्रकार से लाभ पहुँचाते हैं या हानि पहुँचाते हैं, किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में कितने माइक्रोब्स होते हैं, किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को हमको खाना चाहिए और किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को हमको नहीं खाना चाहिए, वो इस पेपर प्रश्न पत्र में हम पढ़ेंगे। UGHN 106 नॉर्मल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स में जो कि आहार पद्धति पर निर्धारित किया गया है, इसमें सामान्य और चिकित्सीय पोषण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो विद्यार्थियों हम लोग भोजन रोज ग्रहण करते हैं, क्योंकि बिना भोजन के हम एक दिन भी नहीं चल सकते। परंतु यदि कोई किसी बीमारी से ग्रसित है या वो सामान्य अवस्था को छोड़कर किसी अन्य अवस्था में है, या वो मानसिक रूप से बीमार है या वो शारीरिक रूप से बीमार है, उस स्थिति में हम किस प्रकार का पोषक तत्व उनको प्रदान करेंगे, उनको किस प्रकार के पोषक तत्व युक्त भोजन करना चाहिए, वो हम इस प्रश्न पत्र में पढ़ते हैं। UGHN 107 में प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड कुकिंग। इसमें हम किन सिद्धांतों पर पाक क्रिया भोजन की जाती है उनको पढ़ेंगे और किन किन विधियों से भोजन को पकाया जा सकता है जिससे उनके पोषक तत्व भी बचे रहे और खाने में वो स्वाद भी बना रहे, हम उसको इन प्रश्न पत्र में पढ़ते हैं। UGHN 108, UGHN 105, UGHN 106, UGHN 107 पर बेस्ड है। ये प्रैक्टिकल पेपर है, इस प्रैक्टिकल को हम एलिमेंट्री फूड माइक्रोबायोलॉजी नॉर्मल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड कुकिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर ये प्रश्न पत्र का निर्धारण किया गया है। UGHN 108 में हम फूड साइंस और कुकिंग से संबंधित प्रैक्टिकल लैब में कराते हैं। थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में हम ये देखते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति को किस प्रकार से भोज्य पदार्थ देने चाहिए और अगर यदि व्यक्ति किसी बीमारी की स्थिति में है या अन्य किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी की स्थिति में है तो उस वक्त हम उसको किस प्रकार का भोज्य पदार्थ कितने कितने पोषण तत्वों से युक्त होगा वो देखेंगे, और फूड माइक्रोबायोलॉजी में कि किस प्रकार के फूड हमको लेने चाहिए और किस प्रकार के फूड को हमको परहेज करना चाहिए वो हम UGHN 108 के प्रैक्टिकल पेपर में देखेंगे। थर्ड सेमेस्टर के जो कंपलसरी पेपर हैं उसमें UGHN 109 जो कि डाइट थेरेपी एंड मील मैनेजमेंट है, जो कि 3 क्रेडिट का है और ये भी 100 नंबर का है, जिसको 30 और 70 में विभाजित किया गया है।
डाइट थेरेपी और मील मैनेजमेंट। ह्यूमन न्यूट्रिशन में एक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि किस व्यक्ति को कितनी बार खाना चाहिए, कितना मील, कितने टाइम्स में मील लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है ह्यूमन न्यूट्रिशन में और ये एक पेपर के माध्यम से यहाँ पर ये कंप्लीट विद्यार्थियों को इस पेपर में बताया जाएगा। दूसरा पेपर है UGHN 110 जो कि फूड एनालिसिस पर बेस्ड है। फूड एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि प्रोटीन का एस्टिमेशन कैसे होता है, फैट का एस्टिमेशन कैसे होता है और कार्बोहाइड्रेट का एस्टिमेशन कैसे होता है। ये भी 3 क्रेडिट का प्रश्न पत्र है जो कि 100 नंबर का है और 30 और 70 में विभाजित किया गया है। UGHN 111 कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि 3 क्रेडिट का है और ये भी 100 नंबर का प्रश्न पत्र है और 30 और 70 में विभाजित किया गया है। जैसा कि विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में बिना कंप्यूटर एप्लीकेशन के संभव नहीं है अपने पढ़ाई को पूरा कर पाना। अपने एडवांस चीज़ों को जानने के लिए हमें कंप्यूटर का सहारा लेना ही पड़ता है। वर्तमान समय में आधे से ज़्यादा जानकारियाँ हम लोग किताबों के साथ ही साथ इंटरनेट पर भी मौजूद रहती हैं जो कि हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और हम उसको पढ़कर अपना ज्ञानार्जन कर लेते हैं। इसलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन को यहाँ पर एक पेपर के रूप में रखा गया है। UGHN 112 जो कि UGHN 109, UGHN 110, UGHN 111 पर आधारित है जिसमें इन तीनों प्रश्न पत्रों के प्रैक्टिकल पक्ष को रखा गया है। UGHN 112 ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, 3rd सेमेस्टर में स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज रखे गए हैं। UGHN 113 है कम्युनिटी न्यूट्रिशन और UGHN 114 है न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड सर्विलांस जो कि 4 क्रेडिट के हैं और 100 नंबर के हैं जिसमें से 30 नंबर और 70 नंबर में विभाजित किया गया है। ये टोटल 3rd सेमेस्टर 16 क्रेडिट का है और 500 नंबर का है। अब हम आते हैं 4th सेमेस्टर पे जो कि कंपलसरी पेपर्स इसमें 2 हैं, UGHN 115 फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन जो कि 6 क्रेडिट का है और 100 नंबर का है और पुनः 30 एवं 70 नंबर में विभाजित किया गया है। फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, हम ह्यूमन न्यूट्रिशन में ये पेपर इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम ये जान पाएं कि फूड जो एक दिन पहले बना हुआ है या जो रॉ मटेरियल है फूड का उसको हम किस प्रकार से स्टोर करें कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और हम उसको आगे भी इस्तेमाल कर सकें, उसको किस प्रकार से संग्रहित करें, उसको किस प्रकार से संरक्षित करें कि वो फूड हम आगे भी इस्तेमाल कर सकें। UGHN 116 हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन, इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं, ये भी 6 क्रेडिट का है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज, UGHN 117 फंडामेंटल्स ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से संबंधित पढ़ाई करने के लिए इस प्रश्न पत्र में सभी कंटेंट्स को देखते हैं। इसके बाद आता है UGHN 118 मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, इस प्रश्न पत्र में भी हम मातृ एवं शिशु पोषण के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। 5th सेमेस्टर
UGHN 119 जो कि फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल है, और ये 6 क्रेडिट का है, 100 नंबरों का है और 30 और 70 नंबर में विभाजित किया गया है। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। जब हम भोजन बाजार से खरीदते हैं या रॉ मटेरियल भोजन बनाने के लिए बाजार से खरीदते हैं, तो वो कितना सेफ है हमारे लिए, उसमें किस प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया गया है जो कि हमारे शरीर में जाकर कितनी मात्रा में हार्म पहुंचाएगा, या वो किसी प्रकार के केमिकल की मिलावट उसमें नहीं हुई है, ये जानने के लिए हम इस प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं कि उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए किन किन प्रकार के बोर्ड्स बनाए गए हैं, किन किन प्रकार के चेक्स बनाए गए हैं जिससे कि फूड की क्वालिटी बनी रहे। UGHN 120 में पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी प्रश्न पत्र हम पढ़ते हैं जो कि 6 क्रेडिट का है और 100 नंबरों का है और ये भी 30 और 70 में विभाजित किया गया है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो कि UGHN 121 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कम्युनिकेशन है, और UGHN 122 जो कि इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट है। इन दोनों प्रश्न पत्रों में हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कम्युनिटी में जब हम जाते हैं तो हेल्थ के प्रचार प्रसार के लिए किस किस प्रकार की पॉलिसीज जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनको हम किस प्रकार से वहाँ प्रचार कर सकते हैं, और न्यूट्रिशन से संबंधित जो जानकारी है वो हम किस प्रकार से अपनी हेल्थ को और दूसरों की हेल्थ को बनाकर रखने के लिए संप्रेषित कर सकते हैं। 5वें सेमेस्टर को की क्रेडिट्स 16 हैं जो कि 300 नंबर का है। अब हम आते हैं कंपलसरी कोर पेपर्स 6 सेमेस्टर के जो कि UGHN 123 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ वुमेन जो कि 6 क्रेडिट का है और पुनः 100 नंबर का है जो कि 30 और 70 नंबर में विभाजित किया गया है। इसी प रकार से UGHN 124 पॉलिसी प्रोग्राम एंड इंटरवेंशंस जो कि 6 क्रेडिट के हैं और 100 नंबर का है। वर्तमान समय में सरकार किस प्रकार से पोषण को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, किस प्रकार की पॉलिसी बना रही है जो कि सीधे तौर पर बालकों को, महिलाओं को या वृद्ध लोगों को पहुंचे जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, इसके लिए हम इस प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं। स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज में पुनः UGHN 125 जो कि न्यूट्रिशन इन इमरजेंसी एंड डिजास्टर, न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज एंड डिजास्टर का मतलब हुआ कि जब किसी प्रकार की आपदा आती है उस वक्त हम किस प्रकार से आहार प्रबंधन करेंगे, पोषण प्रबंधन करेंगे कि स्थितियां सामान्य रहें, हम इसकी जानकारी के लिए ये प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। और UGHN 126 इकोनॉमिक्स ऑफ फूड, इकोनॉमिक्स ऑफ फूड में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए, बजट होना चाहिए कि हम फूड को अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी हम किस प्रकार से उसको उचित दर पर इस्तेमाल कर सकें, बाज़ार से परचेज कर सकें। तो टोटल ये हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन 96 क्रेडिट्स का है और 2400 मार्क्स का है। अब प्रोग्राम आउटकम क्या है, मतलब कि यदि हमने ये कोर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमन न्यूट्रिशन की डिग्री हासिल करी है तो इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद हमें किस किस चीज़ों में स्किल्ड हो जाएंगे हम। दिस कोर्स विल एनेबल
to students to understand the function and sources of nutrients. Learners will be able to apply the knowledge in maintenance of good health for the individual and community. Learners will be able to be familiar with factors affecting availability and requirements of nutrients in right proportions. Learners will be able to understand the fundamentals of food and nutrition and provide the information regarding role of macro and micronutrients in human nutrition. Learners will be able to choose an appropriate careers in this field. Learners will be able to understand the biological process and systems as applicable to human nutrition. Learners will be able to apply the knowledge required to human nutrition and dietetics. Vidyarthiyon, ह्यूमन न्यूट्रिशन में बीएससी करने के बाद जैसा कि मैंने आपको आउटकम्स बताए हैं कि हमें इन इन चीज़ों का ज्ञानार्जन होगा, हम फूड एवं न्यूट्रिएंट्स के विषय में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर हमारे किन किन अंगों को प्रभावित करते हैं, वो किस प्रकार से हमारी वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, हमारे शरीर के जो अंगों की ग्रोथ होती है, अंगों का जो कार्य होता है उसमें उस कार्य के लिए किस किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, वो हम इस कोर्स के माध्यम से पढ़ते हैं। कौन कौन से भोजन पौष्टिक होते हैं, कौन कौन से भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनकी भी पूर्ण जानकारी हमको इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त होती है। अब हम आते हैं एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन पर। बीएससी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन हमारे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज का डाइटेटिक्स विषय में एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली ये बनाया गया है, ये आज का लेक्चर, जिससे कि जो विद्यार्थी 22-23 सेशन में प्रवेश लिए हैं उनको संपूर्ण जानकारी मिल सके और वो इन वीडियो के माध्यम से ये उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके कि कौन सा प्रश्न पत्र कितने अंकों का है, किसमें असाइनमेंट्स हैं, किसमें असाइनमेंट्स नहीं हैं, कौन कितने ग्रुप में विभाजित है, किसमें डिसर्टेशन करना है, किसमें इंटर्नशिप करनी है। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने जो 22-23 में सत्र में नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनके लिए ये प्रिपेयर किया है। इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इसेंशियल प्रैक्टिकल गाइडेंस ऑन ऑल एस्पेक्ट डाइटेटिक्स फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ हेल्थ टू द मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस, टू डेवलप नॉलेज बेस in key areas of nutrition, dietetics and food service management such as clinical nutrition and therapeutic diets, quantity cooking, institution food administration, public nutrition, nutrition epidemiology, biochemistry, food microbiology and physiology, to impart necessary expertise to enable learners to function as dietitian, diet counselors and nutrition health communicators, to provide practical field level experience in institutional food administration and dietetics, to cater to the needs of persons employed in government and non-government institutions engaged in providing health dietetic care and food service, to equip individuals to start their own food service unit leading to entrepreneurship. विद्यार्थियों, खाद्य एवं पोषण विज्ञान में एमएससी करने से
उसको भोजन और उसके सभी पोषक तत्वों का, उसका शरीर पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है। खाद्य एवं पोषण विज्ञान जो कि 4 सेमेस्टर्स में विभाजित किया गया है, टोटल 72 क्रेडिट का है और 1400 अंकों का है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में MFN 101 अप्लाइड फिजियोलॉजी जो कि 4 क्रेडिट का है और 70 नंबरों में है, जिसमें से 30 नंबर असाइनमेंट्स के और 70 नंबर थ्योरी पेपर के लिए निर्धारित किए गए हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं हमारे शरीर में हमारे अंगों को कार्य करने के लिए किस प्रकार से भोज्य पदार्थ के माध्यम से जो पोषक तत्व प्राप्त हुए वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। 102 में एडवांस न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, 103 में एडवांसेस इन फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं और 104 इन ऊपर वर्णित तीनों प्रश्न पत्रों पर आधारित लैब या प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र होता है। इस प्रश्न पत्र में अप्लाइड फिजियोलॉजी, एडवांस न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री और एडवांसेस इन फूड माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल किए जाने वाले पक्षों को पढ़ाया जाता है, जो कि इस टोटल सेमेस्टर के क्रेडिट 18 है जो कि 400 नंबर का है। सेकेंड सेमेस्टर में 105 फूड साइंस एंड एक्सपेरिमेंटल कुकरी जो कि 4 क्रेडिट का है, MFN 106 एडवांस क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन ये भी 4 क्रेडिट का है, MFN 107 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स 4 क्रेडिट का है और MFN 108 जो कि लैब वर्क है वो ऊपर के MFN 105, MFN 106 और MFN 107 पर बेस्ड है। इसी तरीके से MSCFN के थर्ड सेमेस्टर में हम 109 एडवांस कम्युनिटी न्यूट्रिशन जो कि 6 क्रेडिट का है, MFN 110 जो कि एडवांस न्यूट्रिशन है 6 क्रेडिट का, MFN 111 इंटर्नशिप है ये भी 6 क्रेडिट की है और इंटर्नशिप टोटल सिलेबस पर बेस्ड है। हम किसी भी क्षेत्र में जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं जो कि खाद्य से संबंधित हो, किसी भी FMCG कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी स्कूल कॉलेज में पोषण से संबंधित विषय वस्तु का चुनाव करके वहां पर जाकर हम अपनी ट्रेनिंग को 3 महीने के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास विद्यार्थियों के लगातार फोन आते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि इंटर्नशिप कितने दिनों की करनी है, कहां से करनी है और किस तरह के विषयों को लेकर हमको इंटर्नशिप करनी है और इंटर्नशिप करने के बाद हमें क्या विश्वविद्यालय में उसकी रिपोर्ट जमा करनी है या नहीं जमा करनी है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि इंटर्नशिप जो है वो थर्ड सेमेस्टर में 3 महीने के लिए करनी है। ये इंटर्नशिप किसी भी फूड इंडस्ट्री, किसी भी स्कूल प्राथमिक लेवल पे हो या मिडिल लेवल पे हो जहाँ मिड डे मील की परियोजनाएं चलती हों, किसी भी कॉलेज में, किसी भी हॉस्पिटल से की जा सकती है जहाँ पर आप उस संबंधित संस्थान के हेड से ये फॉरवर्ड कराएंगे कि आपने वहाँ पर 3 महीने की प्रैक्टिस की है अपनी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जानकारी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे यदि आप प्राथमिक विद्यालय में जाकर अपनी इंटर्नशिप पूरी करते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि मिड डे मील जो बच्चों को दिया जा रहा है वो संतुलित आहार के रूप में बच्चे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपने जाकर वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का सुधार किया, आपने क्या क्या देखा वहाँ पर और आप
आपने अपनी जानकारी को वहाँ किस किस प्रकार से प्रयोग किया। इसी प्रकार से यदि आप हॉस्पिटल में करते हैं तो हॉस्पिटल में भी आपको किसी चीफ डाइटिशियन या डॉक्टर के अंडर में इंटर्नशिप करनी होगी। वहाँ पर आपको किसी एक प्रकार के मरीज जो कि किसी बीमारी से ग्रसित हो, उनको आपने किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स से रिच डाइट प्लान किया है, किस किस प्रकार से आपने उनकी रिपोर्ट्स को जो कि बायोकेमिकल और क्लिनिकल है उसको आपने ऑब्जर्व किया, उनको किस प्रकार की परेशानी है, उस परेशानी के निवारण के लिए आपने कितनी डाइट, कितनी बार और कितनी मात्रा में मॉडिफिकेशंस किए हैं, वो आपको एक चार्ट बनाना होगा और उस चार्ट को आप पेशेंट को देंगे और उसके बाद उनकी 3 महीने तक लगातार ऑब्जर्वेशन, उन पेशेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद उनमें आने वाले सुधार या आने वाले चेंजेस को आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। इसकी एक आप एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपने पर्टिकुलर किस डिजीज़ के पेशेंट पर अपने डाइट प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, उनको किस प्रकार के पेशेंट्स को डाइट चार्ट दिया है और किस प्रकार के पेशेंट को डाइट चार्ट नहीं दिया है। जिस पेशेंट को डाइट चार्ट दिया है तो क्या आपकी डाइट से उनमें कोई डिफरेंस आया है या नहीं आया है, इन सभी तथ्यों की जानकारी की आप एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बनाने के बाद अपने संबंधित स्टडी सेंटर पर जमा करेंगे और आप जिस जगह से आप ये इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ के हेड से आप वहाँ के एक वहाँ का जो हेड का पैड होता है उस पर आप एक सर्टिफाई करा के लेके आएंगे कि आपने 3 महीने वहाँ से इंटर्नशिप की है। रिपोर्ट के साथ आप उसको अटैच करेंगे और अपने स्टडी सेंटर पर जमा करेंगे। अगर स्टडी सेंटर पर जमा नहीं होता है तो आप विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर जमा करेंगे उसको। अब ये थर्ड सेमेस्टर का जो क्रेडिट है वो 18 है और ये 300 नंबरों का है। इंटर्नशिप 100 नंबर की है, इसमें स्टूडेंट को किसी प्रकार का थ्योरी पेपर नहीं देना है। इसमें सिर्फ इंटर्नशिप में आपको बाहर जाकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और उस ट्रेनिंग की रिपोर्ट तैयार कर देनी है, कोई थ्योरी पेपर या असाइनमेंट नहीं है। अब हम आते हैं फोर्थ सेमेस्टर पे। अक्सर विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर 2 ग्रुप में विभाजित किया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दोनों ही सेमेस्टर 300 मार्क्स के हैं और 18-18 क्रेडिट के हैं। ग्रुप 1 अगर कोई विद्यार्थी चूज करता है तो उसके लिए वो MFM 112 जो कि फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी 6 क्रेडिट का प्रोग्राम है और 100 नंबरों का है जिसमें से 30 और 70 नंबर विभाजित किए गए हैं। इसी प्रकार से 113 न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीजेस जो कि 6 क्रेडिट का है और ये भी 100 नंबर का है और 30 और 70 नंबर में विभाजित किया गया है। और MFN 114 न्यूट्रिशन पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम 6 क्रेडिट का। इस तरह से ग्रुप 1 जो है 18 क्रेडिट का है। 18 क्रेडिट में ये 3 प्रश्नपत्र थ्योरी के पढ़ने होंगे जिसमें से 30 नंबर का असाइनमेंट और 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा और ये तीनों ही कंपलसरी पेपर होंगे। जबकि इसके अपोजिट हम अगर ग्रुप 2 को ऑप्ट करते हैं तो MFN 115 जो कि फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगी अथवा MFN 116 न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज हो जाएगा अथवा MFN 117 न्यूट्रिशन पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम। ये तीनों ही 6 क्रेडिट के हैं और टोटल 18 क्रेडिट के हैं। विद्यार्थियों कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये तीनों पेपर सेम है, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी। अंतर ये है कि ग्रुप 1 में अगर आप ग्रुप 1 को ऑप्ट करते हैं तो ये तीनों पेपर आपको थ्योरी के देने होंगे असाइनमेंट के साथ में। अगर आप ग्रुप 2 ऑप्ट करते हैं तो क्योंकि इसमें और लिखा हुआ है तो ये तीनों पेपर में से कोई एक पेपर 6 क्रेडिट का पढ़ना होगा और उसके साथ में MSc FN 118 डिजर्टेशन जो कि 12 क्रेडिट का है वो आपको करना होगा।
डिसर्टेशन पूरे 6 महीनों का होता है और उसमें विद्यार्थी को अपने संबंधित शिक्षक से एक टॉपिक अलॉट करवाना होता है अपने सब्जेक्ट से संबंधित, और उस टॉपिक को या तो फील्ड में जाकर फील्ड वर्क करके लेकर आना होता है या फिर किसी लैब में जाकर किसी पर्टिकुलर रिसर्च को करना होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ग्रुप वन भी हमारा 18 क्रेडिट का होता है और ग्रुप टू भी 18 क्रेडिट का होता है। मैं यहाँ फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगी कि छात्र बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो ग्रुप वन में से भी पेपर ले लेते हैं और ग्रुप टू का डिसर्टेशन भी ले लेते हैं। कभी कभी वो ग्रुप वन के सारे पेपर, तीनों पेपर देते हैं, उसके साथ साथ में डिसर्टेशन भी जमा करते हैं। हमेशा फॉर्म को भरते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि यदि आप ग्रुप वन ऑप्ट करते हैं तो आपको डिसर्टेशन नहीं बनाना है। अगर आप ग्रुप टू ऑप्ट करते हैं तो सिर्फ एक थ्योरी पेपर देना है जिसमें असाइनमेंट और थ्योरी दोनों कंपलसरी है, और उसके साथ में आपको डिसर्टेशन बनाना है जो कि 12 क्रेडिट का है। इस प्रकार से टोटल एमएससी का कार्यक्रम 72 क्रेडिट का है और 1400 नंबरों का है। अब हम यहां पर देखेंगे कि एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन करने के बाद क्या आउटपुट, क्या आउटकम निकला। लर्नर्स विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट आवर बॉडी एंड न्यूट्रिशनल नीड्स। हमारी बॉडी को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता है, और किस प्रकार के पोषक तत्व हमारे किन प्रकार के अंगों के लिए आवश्यक हैं, ये हम इस फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्स के माध्यम से जानेंगे। लर्नर्स विल बी ट्रेन्ड एंड डेवलप एज अ डाइट काउंसलर एंड न्यूट्रिशन हेल्थ कम्युनिकेटर। लर्नर्स को किस प्रकार की डाइट किस व्यक्ति को देनी चाहिए और किस प्रकार की डाइट स्वयं को लेनी चाहिए जिससे कि हेल्दी रहे, इसकी पूरी जानकारी हम इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। लर्नर्स विल बी डेवलप एज इंस्टीट्यूशन फूड एडमिनिस्ट्रेटर और फूड सर्विस मैनेजर्स। ये एक फूड का इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप कर सकते हैं और फूड सर्विस मैनेजर्स भी बन सकते हैं। लर्नर्स विल बी एबल टू ऑफर साइंटिफिक ओपिनियन ऑन पॉपुलर न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज एंड कॉन्ट्रोवर्सीज। लर्नर्स विल बी एबल टू इक्विप इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट देयर ओन फूड सर्विस यूनिट लीडिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में बॉडी का वेट रिड्यूस करने के लिए कितनी ज़्यादा यूनिट्स एंटरप्रेन्योर लोग बन चुके हैं और कितनी ज़्यादा डाइट काउंसलिंग की संस्थाएं खुल गई हैं। एक बहुत ही प्रचलित है VLCC, जो कि सिर्फ डाइट कंसल्टेंसी के लिए ही उसका मुख्य उद्देश्य है, खोला गया है, और उसमें सिर्फ यही बताते हैं कि किस प्रकार से एक ओबीज पर्सन को रिड्यूस करके उसका वेट कम किया जा सकता है। इस प्रकार से कोई भी फूड एंड न्यूट्रिशन की डिग्री हासिल करके एक अच्छा खासा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकता है। लर्नर्स विल बी एबल टू डेवलप अ नॉलेज बेस इन की एरियाज ऑफ न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट सच एज क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड थेरेप्यूटिक डाइट्स क्वान्टिटी कुकिंग इंस्टीट्यूशन फूड एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एपिडेमियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो लर्नर्स, आपने देखा कि फूड एंड न्यूट्रिशन से MSc की डिग्री हासिल करने के बाद हम कितनी ही ज़्यादा जानकारी खाद्य एवं पोषण विज्ञान के बारे में अर्जित कर लेते हैं, जो कि हमारे स्वस्थ जीवन शैली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन फूड एंड डाइटेटिक्स विषय में PhD कोर्स, जो कि 22 सत्र में प्रारंभ हुआ है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है, उनके 6 महीने के कोर्स वर्क जो कि PhD के नाम से जाना जाता है, उनके प्रश्न पत्रों को इस प्रकार से विभाजित किया है। इसका ड्यूरेशन मिनिमम 1 सेमेस्टर है यानी 6 महीने, और मैक्सिमम 1 साल है
यानी 2 सेमेस्टर्स में ये कोर्स को पास कर सकते हैं और ये टोटल 12 क्रेडिट का है। इसका पहला प्रश्न पत्र है PCWRM PhD कोर्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी 01 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड पब्लिकेशन एथिक्स, जो कि 6 क्रेडिट का है और ये पुनः 100 मार्क्स का है, 30 और 70 नंबरों में विभाजित है। इसमें से जो असाइनमेंट पेपर 30 नंबर का होगा उसका कोई असाइनमेंट पेपर नहीं मिलेगा आपको। ये आपका संबंधित डिसिप्लिन विभाग आपको बताएगा कि आपको असाइनमेंट की जगह पे वो क्या कराना चाहते हैं, फील्ड वर्क कराना चाहता है, लाइब्रेरी कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं या किस प्रकार के और कार्यों को वो असाइन करते हैं, वो आपके संबंधित डिसिप्लिन के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरीके से सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा, यानी मेन कोर्स वर्क जो आपका आएगा पेपर, वो न्यूट्रिशन फूड एंड डाइटेटिक्स का है, ये भी 6 क्रेडिट का होगा और 100 नंबरों का होगा, ये भी 30 और 70 नंबर में विभाजित होगा। प्रैक्टिकम रिलेटेड विद PCWRM रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आपको एक नॉन क्रेडिट पेपर भी पढ़ना होगा और इसके साथ में आपको फील्ड लैब लाइब्रेरी वर्क भी करनी होगी, जिसकी रिपोर्ट जमा करनी होगी और वो भी नॉन क्रेडिट होगी। स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि असाइनमेंट का पेपर कैसा आएगा और थ्योरी पेपर का पेपर कैसा आएगा, उसका किस प्रकार से स्वरूप होगा, कितने कितने नंबरों में विभाजित होगा, कितने नंबर्स के प्रश्न पत्र छोटे आंसर देने वाले होंगे और कितने नंबर के प्रश्न बड़े आंसर देने वाले होंगे। तो हमने उनको ये समझाने के लिए बताया है कि असाइनमेंट 30 मार्क्स का है। असाइनमेंट्स पेपर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पार्ट ए जो है वो 18 नंबर का होगा, जिसमें से 3 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा जो कि 6-6 नंबरों के होंगे और ये लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन होगा। पार्ट बी कैरिंग 12 मार्क्स। जो पार्ट बी है वो एनालिटिकल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जो कि 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे और 2 नंबर के होंगे और ये 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 के 6 वो आपको सॉल्व करने होंगे। जबकि आपके पार्ट ए में 4 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 1 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल हो जाएगा और आपको 3 प्रश्न उसमें से सॉल्व करने होंगे 6-6 नंबर के, और पार्ट बी के 6 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे 2-2 नंबर के। इस प्रकार से ये 18 और 12 नंबरों में विभाजित करके टोटल 30 मार्क्स का असाइनमेंट प्रश्न पत्र बनेगा। अब हम आएंगे थ्योरी एग्जामिनेशन में। सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा। यहां पर क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट अ टोटल ऑफ 3 पार्ट्स। थ्योरी पेपर जो कि 48, 10 और 12 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, इसमें पार्ट ए जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, 16 × 3 मार्क्स इक्वल टू 14, 8 मार्क्स। इसमें 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे और ये 16-16 नंबरों के होंगे। पार्ट बी में आएंगे तो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, जिसमें 1 × 10 इक्वल टू 10 मार्क्स, मतलब कि सिर्फ 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न सॉल्व करना होगा और वो 10 नंबर का होगा। पार्ट सी जो आएगा वो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे और उनको 2 प्रश्न को सॉल्व करने होंगे, और इस तरह से आपका पार्ट ए 48 नंबर का, पार्ट बी 10 नंबर का और पार्ट सी 12 नंबर का होगा। और इस तरीके से जो एंड सेमेस्टर में हम थ्योरी एग्जाम देंगे वो 70 नंबर का कंप्लीट होगा। विद्यार्थियों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको चैप्टर वाइज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से लेकर पीएचडी तक सारे सिलेबस को कवर करेंगे। आज हमने ये इंट्रोडक्टरी क्लास इसलिए ली है ताकि जो हमारे विद्यार्थी
कन्फ्यूजन में पेपर्स सही से एडमिशन फॉर्म में भर नहीं पाते और फिर वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, और वो साल भर जब तक प्रोग्राम चलता रहता है तब तक वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन सा पेपर कब पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट कब देना है, और उसके बाद इंटर्नशिप कितने दिनों की है, कहाँ से करनी है, डिसर्टेशन करना है, ग्रुप वन ऑप्ट करना है कि ग्रुप टू ऑप्ट करना है। उसके लिए हमने ये इंट्रोडक्टरी क्लास रखी है। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन की पहली यूनिट पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।